हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस फोन की FRP बाईपास करना सीखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये Realme का C2 मॉडल है। इस पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, जिसमें FRP बाईपास करने का एक अलग तरीका बताया गया है और इस वीडियो में एक अलग मेथड है। चलिए आपकी कंफर्मेशन के लिए पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये फोन FRP लॉक्ड है। दोस्तों, आपका फोन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, फिर चाहे वो वाईफाई, हॉटस्पॉट या फिर आपकी सिम का ही इंटरनेट क्यों ना हो। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि ये उसी पैटर्न की डिमांड कर रहा है जो फोन को फॉर्मेट करते टाइम लगा था, जो कि हमें ऑब्वियसली नहीं पता। कैंकल पर टैप करते ही आपकी स्क्रीन पर वेरिफाइंग योर अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि ये फोन FRP लॉक्ड है और इसमें उसी मेल आईडी से लॉग इन करना पड़ेगा जो कि हमें पता ही नहीं है। तो चलिए आपको इसे बाईपास करके दिखा देता हूँ। चलो बैक करते हुए फर्स्ट पेज पर चलते हैं। टैप ऑन प्राइवेसी पॉलिसी। स्वाइप अप करते हुए आपको www.allaboutcookies.org करके एक लिंक मिलेगी। आपको बस सिंपली उस लिंक पर टैप कर देना है। लिंक पर टैप करते ही आपकी स्क्रीन पर गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टैप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नो थैंक्स। उसके बाद ऊपर सर्च बार में टाइप करें VN ROM FRP और सर्च कर दें। और फिर आपको पहली ही लिंक पर टैप कर देना है। VN ROM वेबसाइट खुलने के बाद आपको Android 8, 9, 10 Google अकाउंट मैनेजर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको FRP बाईपास नाम की एक और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप डाउनलोड ऑप्शन में जाके डाउनलोडिंग प्रोसेस देख सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको सबसे पहले Android 8, 9, 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको FRP बाईपास एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट्स पर टैप करके ब्राउजर साइन इन पर टैप कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप किसी भी जीमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करके बड़े आराम से लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप जीमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करेंगे, तुरंत ही ये पेज ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब आपको सिंपली अपने फोन को रीबूट कर देना है। रीबूट होने के बाद चलिए फोन को सेटअप करते हैं।
तो दोस्तों अब आप देख ही सकते हैं कि आपके द्वारा लॉग इन किया गया अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब आपके फोन में FRP सक्सेसफुली बाईपास हो चुका है। चलिए अब जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।